नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसे कि किसान भाइयों आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉप टाइगर 30 क्लास की जो ये कम ट्रैक का मिनी हार्वेस्टर है, तो ये जो हार्वेस्टर है यहाँ पे आपको क्रॉप 30 देखने को मिल रही है। इसमें क्रॉप 40 भी आपको देखने को मिलेगी और ट्रैक के बजाय आप ऑप्शनल में जो है वो टायर की भी आप ले सकते हैं। उसमें 14 9 28 के टायर भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रैक मशीन यहाँ पे है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कटर साइज़ की अगर हम पहले बात करते हैं तो कटर साइज़ आपको जो है वो 7 फीट का जो है वो कटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और दूसरी एक मैं बात यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो क्लास की जो ये कंबाइन होती है, ये एक टॉप क्लास की जो है ये मशीन होती है, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। और लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि अगर आपके आसपास अगर इसकी कोई एजेंसी वगैरह अगर नहीं है तो फिर आपको इसके स्पेयर पार्ट के लिए जो है वो थोड़ी सी परेशानी जो है वो उठानी पड़ सकती है, क्योंकि इस हार्वेस्टर के जो स्पेयर पार्ट है वो दूसरे किसी हार्वेस्टर के स्पेयर पार्ट से आप उसको ये नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते या फिर उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके अगर आप टाइन्स की बात ले लीजिए, टाइन्स अगर इसकी से आप अगर आपको यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो ये सिंगल टाइन्स जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल रॉड की टाइन्स है। लेकिन अगर हम अदर कंपनी की अगर हम दूसरे कोई भी अगर हम कंपनी की अगर हम हार्वेस्टर की अगर बात करते हैं तो टाइन्स जो होती है वो डबल रॉड में टाइन्स आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे कटर अगर आप देखते हैं तो कटर में भी आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक छोटा कटर जो है इसके नीचे से है कटर के, और एक जो बड़ा कटर है वो ऊपर की ओर है। तो ये सारे चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस साइड से आप अगर हबल देखेंगे तो हबल में भी जो है आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। लगभग आप ये मान के चलिए कि इस मशीन के जो पार्ट है वो लगभग जो है 95% तक के या 90% तक के जो पार्ट है इसके वो आप दूसरी मशीन को नहीं लगा सकते, या दूसरी मशीन के जो पार्ट है आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आपके पास एजेंसी अगर आपके पास नज़दीक में है तो आप बड़ी आसानी से ये हार्वेस्टर जो है वो ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी एक ये हार्वेस्टर है। ये जो हार्वेस्टर है ये हमारे जो भारत की इंडिया की ये नहीं है, ये एक जो है ये जर्मन कंपनी है। तो वहाँ की ये जो मशीन है क्लास, तो ये जर्मन कंपनी की है, आप ये बात ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रैक होने के वजह से आपको ऊपर जो है स्टीयरिंग वगैरह यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रैक कंबाइन है। तो ये जो लीवर है ये इसी से जो है ये आगे पीछे ये जो होती है, और लेफ़्ट राइट भी यहाँ से आप ये लीवर के ज़रिए ही आप इसे मोड़ सकते हैं, चला सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी ग्रैंड टैंक की, तो यहाँ पे जो ग्रैंड टैंक जो है इसका आप ये हैंड रेस यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये जो ग्रैंड टैंक है ये लगभग जो है ये 7 क्विंटल का जो है इसका ग्रैंड टैंक है। 7 क्विंटल का आप इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है ये लीवर के जो है अप एंड डाउन के जो है यहाँ पे लीवर वगैरह आप सब देख पा रहे हैं, और यहाँ पे जो है थ्रेशर वगैरह स्टार्ट करने के लीवर आप देख पा रहे हैं। तो आगे से जो है वो काफ़ी अच्छा एक व्यू है। आप बड़ी आसानी से जो है वो कितनी भी छोटी अगर आपकी क्रॉप है तो आप आसानी से जो है उसे वो निकाल सकते हैं। और ट्रैक कंबाइन का होना जो है उसके फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। फ़ायदे अगर आप देखेंगे तो ये गीले में जो अगर दूसरी मशीन नहीं चल रही है तो ये मशीन जो है गीले में भी काफ़ी अच्छे से जो है वो आसानी से जो है वो ट्रैक की मदद से चल पाएगी। तो गीले में आपको ये प्रॉफिट है। लेकिन लॉस की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें एक लॉरी चाहिए होती है, एक ट्रॉली दूसरी चाहिए होती है, जिसके अंदर जो है ये मशीन डाल के हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, तो ये बहुत एक जो है कॉस्टली हो जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि स्टार वॉकर जो होता है इसमें नहीं होता है स्ट्रॉ वॉकर, तो ये बिना स्ट्रॉ वॉकर की होती है। पीछे से जो है वो बारीक भूसा यहाँ से निकलता है और बड़ा वाला भूसा जो है वो यहाँ से ये निकालती है। तो ये एक काफ़ी अच्छी एक टेक्नोलॉजी के साथ बनी हुई एक एडवांस जो मशीन आप देख पा रहे हैं। और साइड में एक दूसरी और मशीन खड़ी हुई है, लेकिन हम फिलहाल जो है ये क्रॉप टाइगर की यहाँ पे बात करेंगे क्लास की। तो हम इसको जो है वो आगे आपको चल के इस चलती हुई भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हम इसका एक वॉक अराउंड यहाँ पर ले लेते हैं।
और यहाँ से मैंने अभी जो यहाँ बात की है यहाँ पे ऑपरेटर वगैरह से, तो ये कल जो है ये मशीन चलने वाली है जो तुअर के बीच में जो सोया है उसको निकालने के लिए, तो वहाँ पे हम ये देखेंगे। तो तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।